के शहंशाह रजनीकांत रोबोट की तीसरी कड़ी में हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी को भी फेल कर देंगे। कैसे 70 की उम्र में 30 साल के दिखाई देते हैं रजनी अन्ना फिल्मों में, और क्या मतलब छुपा है रोबोट के 2.0 और 3.0 में। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए इसको अंत तक जरूर देखें। रजनीकांत एक ऐसे सितारे हैं जिनका नाम टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में काफी मशहूर है। फिल्म में अगर रजनीकांत का कैमियो ही हो तो फिल्म हिट है। पिछले दिनों रजनीकांत की फिल्म दरबार रिलीज हुई, जिनमें उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया। उन्होंने पहले भी कई बार पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जैसे कि 1991 की फूल बने अंगारे और 1985 की गिरफ्तार। उनको एक एंग्री यंग पुलिस वाले के किरदार में काफी पसंद किया गया। फिल्म दरबार का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा। दर्शकों ने फिल्म को 2019 की आई रजनीकांत की फिल्म पेटा से तुलना करते हुए इससे बेहतर बताया, और यह भी कहा कि यह फिल्म सिर्फ उनके फैंस के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए मनोरंजन का पात्र बनेगी। वहीं इस फिल्म में उनके लुक्स की काफी चर्चा रही थी। असल जिंदगी में और फिल्मी दुनिया में कितना फर्क होता है वो तो आप रजनीकांत की फिल्मों को देख कर अंदाजा लगा ही सकते हैं। असल जिंदगी में जहां उनके सर पर कुछ ही बाल रह गए हैं, दाढ़ी सफेद होने लगी है, वहीं फिल्मों में वो अनिल कपूर की तरह यंग और हैंडसम ही दिखाई देते हैं। इसका सारा श्रेय मेकअप और हेयर ड्रेसर्स को जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने इस बात का खुलासा किया था कि वो काफी एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने खाने पीने का काफी ध्यान रखते हैं, जिससे उनके अभी तक फिल्में में करने का काफी एनर्जी मिलती है। वहीं रजनीकांत अन्ना को भी कई मौके पर योग करते देखा गया। लेकिन बात उनकी आ चुकी है फिल्म दरबार की नहीं, बल्कि उनकी जल्दी आ रही फिल्म रोबोट 3.0 की करेंगे। फिल्म रोबोट की रजनीकांत के कैरियर की काफी अहम फिल्म रही है। इस फिल्म को पूरे देश का प्यार मिला था, क्योंकि फिल्म के माध्यम से दर्शकों को एक सोशल मैसेज दिया गया। वहीं रोबोट की अगली कड़ी यानी 2.0 में अक्षय कुमार की एंट्री से फिल्म में चार चांद लग गए थे। लेकिन फिल्म में मोबाइल के हवा में उड़ने पर काफी ट्रोल बनाए गए। इसको चाइनीज फोन कंपनी से भी जोड़ा गया, जिसका असर ये हुआ कि फिल्म की चीन के में कमाई कुछ खास नहीं हुई। वहीं चीन से बिगड़ते रिश्ते को भी इस फिल्म की कमाई ना कर पाने की वजह बताई गई थी। फिल्म में एक सोशल मैसेज के साथ चिट्ठी रोबोट ने कारनामे देखने लायक थे। वहीं अब एक बार फिर से चिट्ठी एक और नए अंदाज में आने वाला है। जहां पहले भाग में उसके कारनामे दिखाए, वहीं दूसरे भाग में हजारों और लाखों की तादाद में चिट्ठी की फौज दिखाई गई। फिल्म की तीसरी कड़ी में चिट्ठी और भी नए और रोमांचक किरदार में दिखाई देगा। फिल्म में तीसरे भाग बनने की हिंट तो दूसरे भाग की एंडिंग में ही दे दी गई थी, जब चिट्ठी को एक चींटी के बराबर साइज में दिखाया गया। जी हाँ, इस बार आपको चिट्ठी का छोटा रोबोट रूप यानी कुट्टी देखने को मिलेगा। कुट्टी माइक्रो रोबोट होगा, जिसका साइज काफी छोटा बताया जा रहा है। अब कुट्टी इसी साइज में रहता है या छोटा बड़ा कर सकता है, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म को एंटमैन एंड द वास्प से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एंटमैन भी अपने साइज को जब चाहे छोटा बड़ा कर सकता था। तो क्या ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन से इंस्पायर्ड होगी? ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। फिल्म 2.0 को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया था। 3D टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है, फिल्म आपको एकदम आंखों देखा एक्सपीरियंस देती है, जैसे पूरा सीन आपके सामने ही चल रहा होता है। 3D फिल्म्स को पहले 2D में बनाया जाता है, लेकिन फिल्म रोबोट 3.0 को हॉलीवुड के कुछ दिग्गज स्टीरियोग्राफर्स ने फिल्माया था, जिस वजह से फिल्म के विजुअल्स काफी वास्तविक दिखाई गए। इसमें अक्षय के लुक और हवा में उड़ते मोबाइल को लेकर चिट्ठी की फौज और आखिरी सीन में उसके साइज को छोटा बना देना तक पर काफी चर्चा किया गया टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका नतीजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखा जा सकता है। वहीं अगर 3.0 में अगर कुट्टी को किरदार के माइक्रो रोबोट का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देना है, तो फिल्म को कंप्यूटर ग्राफिक्स, VFX और ग्रीन स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए काफी हाई टेक टूल्स यूज किए जाते हैं। इनमें से एक नाम है ऑटोडेस्क माया, जो हॉलीवुड की फिल्मों में काफी यूज किया जाता है, और साथ ही 3D आर्टिस्ट को माया में ट्रेन किया जाता है।
रजनीकांत के दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें से एक 2021 ही आना थे और वही 22 में लिए चंद्रमुखी 2 भी शामिल है। बात करें फिल्म के नाम रोबोट 2.0 और 3.0 की, तो क्या मतलब समझते हैं आप 2.0 और 3.0 से? बता दें 2.0 और 3.0 दोनों रोबोट के वर्जन हैं, जो कि कंप्यूटर की भाषा होती है। जैसे किसी फोन के सॉफ्टवेयर में नए बदलाव किए जाते हैं तो उसके अगले वर्जन को एक नंबर दे दिया जाता है, वैसे ही फिल्म में रोबोटिक और कंप्यूटर साइंस का तड़का लगाने के लिए इनके नाम 2.0 और 3.0 रखे गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या असल में कुट्टी का किरदार एंटमैन से इंस्पायर्ड होगा? और इस बार फिल्म में कौन से सितारे रजनीकांत के साथ जुड़ेंगे और कौन होगा फिल्म का विलेन? हमें अपने जवाब कमेंट करके भेजें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यूं ही नहीं फिल्म के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।